जय हिंद दोस्तों, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर आपको स्वागत है। तो मेरा पास है Redmi Note 11 सीरीज का एक स्मार्टफोन। कैसे आप लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे, इसमें आज दिखाऊंगा कैसे आप लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे। अगर आपको हिंदी में चेंज करना है, अगर आपको बंगाली में चेंज करना है, अगर आपको तमिल में चेंज करना है, अगर आपको मराठी में चेंज करना है, तो कैसे आप लैंग्वेज को चेंज करेंगे। मोबाइल की जो है लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो चेंज करने के लिए पहले आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और आज का इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक। आशा करता हूँ आप लोग ये 100 लाइक जल्द ही पूरा कर दोगी। तो सेटिंग्स ओपन होने के बाद सेटिंग्स पर आपको मिलेगा सर्च ऑप्शन, सर्च सेटिंग मिल जाएगा। सर्च सेटिंग पर आपको टाइप करना होगा लैंग्वेज LANGUAGE। लैंग्वेज सर्च करने के बाद आपको लैंग्वेज एक ऑप्शन मिल जाएगा, लैंग्वेज एंड इनपुट, उसी पर प्रेस करना होगा। करने के बाद आपको मिल जाएगा लैंग्वेज, तो आपका ये ऑप्शन मिल जाएगा। यह आप चेंज कर पाएंगे लैंग्वेज को। अगर आप सर्च करने के बाद आपको लैंग्वेज नहीं मिलते, तो सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स पर आपको मिलेगा लैंग्वेज एंड इनपुट, उसी पर आपको प्रेस करना होगा। करने के बाद आपको मिलेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज ओपन होने के बाद आपको थोड़ा नीचे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज को आप चेंज कर पाएंगे। तो देखिए मुझे मिल चुका है हिंदी। हिंदी पर मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद देखिए सारा का सारा लैंग्वेज हिंदी हो चुका है। देखिए सभी लैंग्वेज था इंग्लिश, अभी हो चुका है हिंदी। अगर ये वीडियो आपका हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।